तो पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक और सारे एग्जांपल को भी कर चुके थे। इसके अलावा हमने किया था क्वेश्चन नंबर 17। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। तो राइट एंगल एट सी ए, इसलिए हमें यहाँ पे ये बात लिख दी है। इसके अलावा जैसा दिया है वो बनाया भी है। डी और ई एसी और बीसी के ऊपर एक पॉइंट है। अब कहाँ पे है ये पॉइंट कोई पता नहीं, बस इस लाइन के ऊपर है। एग्जैक्ट कहाँ पे ये पोजीशन पता नहीं है। इसके बाद बोला है प्रूव दैट ए का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। इसे हम यहाँ पे बना के भी देख लेते। ए का स्क्वायर मतलब ये वाली साइड, तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें इसे हाइपोटेन्यूस रखना है ए ई को, और ये बात करते भी आते हैं। ए ई लाना है मतलब राइट एंगल ए सी ई लेना है, जहां पे सी राइट एंगल है और यह हमें क्वेश्चन में दिया है। हमें पाइथागोरस लगा है तो हम कह सकते हैं ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा हमें बी डी के स्क्वायर के बारे में दिए, और अगर बी डी को देखें तो कुछ वो इस हिसाब से, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं एन इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। नेक्स्ट हमें बताना है ये ए बी के स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर मतलब इसको भी मिलाना पड़ेगा, इसके बराबर है। तो ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है, एक बार हम इन दोनों का भी स्क्वायर निकाल के देख लेते। इन राइट ट्रायंगल ए सी बी बड़े वाले ट्रायंगल को देखना है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा है तो उसमें कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर एंड राइट ट्रायंगल डी सी ई की बात करें तो इसमें पाइथागोरस लगा के कह सकते हैं डी ई का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, मतलब ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों साइड का स्क्वायर यहाँ पे। अब इन्हें नाम दे दे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का, और जैसा एलएचएस में दिया था वो यूज करें। एलएचएस इक्वल टू हमें दिया था ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, अगर वैल्यू पुट करें ए ई के स्क्वायर की है ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, बी डी के स्क्वायर की वैल्यू है डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आगे पीछे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें आर एच एस की तरफ पढ़ना है, और अगर तुम देखोगे ए बी का स्क्वायर जो कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से बना है और वो यहाँ पे आ भी रहा है, इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ले लें मतलब इक्वेशन थर्ड का यूज करें तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस सी ई और डी सी को अगर हम देखें तो सी ई और डी सी का स्क्वायर डी ई के स्क्वायर के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं डी ई का स्क्वायर, और ये हमने लिया बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, और इस हिसाब से हमें आर एच एस मिल गया जो एल एच एस से बनाया हमने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ओवर ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के बारे में कोई स्पेशल बात नहीं बोली, बस ये बताया कि इसमें से जो पॉइंट वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर खींचा है हमने बीसी के ऊपर, इंटरसेक्ट बीसी एट डी, उसने डी पे कट किया है और ये परपेंडिकुलर है इसलिए हमने लिख दिया ए डी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। सच दैट डी बी इक्वल टू थ्री सी डी, मतलब ये वाली साइड है वो इसकी ट्रिपल से, और इसी बात को हमने यहाँ लिख भी दिया, पर इस बात से एक बात और बात हमें समझ में आती है, ये साइड इसकी अगर ट्रिपल है तो इसका मतलब इसको हम थ्री सी डी कह सकते हैं और इसको सी डी कह सकते हैं जो कि है ऑब्वियसली, तो टोटल मिला के फोर सी डी हो गया, मतलब बीसी की वैल्यू फोर सी डी के बराबर हो गई ना, और इसी बात से हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं सो बीसी इक्वल टू फोर सी डी। आया ना समझ में, हम बीसी को क्या लिख सकते हैं बी टी प्लस डी सी, और बी टी को लिख सकते हैं हम थ्री डी सी, और एक डी सी को जोड़ देंगे फोर डी सी हो जाएगा,
या 480। आगे बोला है प्रूव दैट 2ab का स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड इसका डबल इक्वल टू 2ac का स्क्वायर इसका डबल का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर और ये वाली साइड का स्क्वायर। तो हमें ab का स्क्वायर और ac का स्क्वायर इसके अलावा bc का स्क्वायर का यूज करना है, बट bc का स्क्वायर हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ दिया नहीं है और हमने इसको bc के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि bc यहाँ पे कोई 90 डिग्री नहीं है तो ये किसी की हाइपोटेन्यूज नहीं बन रही है तो कैसा आएगा। तो एक ही तरीका हो सकता है कि इसके थ्रू बन जाए, सब पॉसिबल है, चांसेस है, इस कारण से इसको ऐसा लिखा है। इसके बाद अब ये दो चीज तो हम ला सकते हैं तो इन दोनों को देख लेते हैं। अगर इन राइट एंगल ए बी स्क्वायर और लाना है हमें तो ये वाला राइट एंगल देखे ए डी बी और पाइथागोरस लगा दे तो हम कह सकते हैं ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली साइड इसके हाइपोटेनियस में से ये वाली साइड माइनस कर दे, मतलब कहने का मतलब ये था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर था, वो प्लस का बी डी उधर भेज दिया हमने माइनस किया बी डी। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए बी के स्क्वायर की जरूरत है, मतलब हमें इक्वेशन में ए बी के स्क्वायर की जरूरत है जो हमें लास्ट तक चाहिए, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे। इसके बजाय ऐसी चीज की वैल्यू निकालने वाले जो दूसरी इक्वेशन में भी हमें मिल जाए, जो कि दूसरी इक्वेशन एसी को लाने के लिए यूज करेंगे उसमें मिल जाएगा हमें। एसी के लिए देखें इन राइट एंगल एडीसी, इसके अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा तो हमें मिलेगा एडी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर। अब आराम से इस बात को समझ गए होंगे, तो ये दोनों बराबर है इस कारण से हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे और इस हिसाब से ए बी और ए सी क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन है उसमें ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा और उन दोनों की जरूरत भी है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट इसी सेकंड बोले तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर यहाँ पे अकेला है, इसको भी यहाँ पे अकेला कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस का बी डी का स्क्वायर इधर जाएगा प्लस का बी डी हो जाएगा माइनस का डी सी स्क्वायर है। अब बी डी के स्क्वायर इसको चेंज करें, बी डी की वैल्यू हमें दी 360 के बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को हम लिख सकते थे 360 का स्क्वायर। अब ध्यान रखना है बी डी की वैल्यू 360 और उसके बाद स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे माइनस डीसी को थोड़ा सुधार के लिखते थे सीडी का स्क्वायर ताकि एक जैसे वर्ड हो जाए, थोड़ा सा और सोलो करें यहाँ एबी का स्क्वायर चलता रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 सीडी का स्क्वायर माइनस सीडी का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास एबी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस 8 सीडी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 8 सीडी का स्क्वायर है और 8 के ऊपर स्क्वायर नहीं है और हमें बीसी लाना है और बीसी हम ला भी सकते हैं हमारे पास अगर 4 सीडी हो जाए, और इसी चक्कर में तुम इसे 2 बीसी मत लिख देना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर केवल सीडी के ऊपर, यहाँ इस नंबर के ऊपर भी स्क्वायर चाहिए मतलब इसको स्क्वायर बनाना है, तो इसे हम 4 × 2 लिख सकते हैं। तो 4 2 का स्क्वायर है पर 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो हमें एक और 2 चाहिए उसे स्क्वायर बनाने के लिए। इसका मतलब शॉर्ट में बोलू तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस 8 की जगह में लिख दू 16, क्योंकि 8 को हम बोल सकते हैं 16/2 मतलब 8 हो गया और 16 एक स्क्वायर होता है, इस कारण से हमने उसे 16 में ही चेंज किया। उसके बाद सीडी का स्क्वायर मतलब 8 को तो हमने लिख दिया 16/2 मतलब 8 और सीडी का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना। अभी 16 को तो हम होल स्क्वायर बना पाएंगे 4 का, ओके। अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ऐसा करते हैं 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई करके फिर टोटल इस साइड में भेज देंगे, पहले तो लिख देते इधर की साइड में 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये जाएगा 2 ए सी का स्क्वायर और होल में आ जाएगा 2 प्लस 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो इसे 4 सी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। अब 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई में भेज दूं तो 2 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर प्लस 4 सी डी का स्क्वायर और 4 सी डी बी सी के बराबर है और क्यों बराबर है ये बात हमने यहाँ पे करी थी। अब ये 3 सीडी और ये 1 सीडी है तो 4 सीडी हो गया बीसी। तो इस तरीके से हमने एलएचएस और आरएचएस को बराबर बता दिया और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी यहीं पे आप होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे।
इसमें दिया इन ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इस बात को हमने लिख दिया कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, यहाँ पे डी बीसी के ऊपर एक पॉइंट है। सच दैट पीडी इक्वल टू 1/3 बीसी, वैसे गिवन में भी लिख दिया, इसका मतलब जो ये बीडी है वो बीसी का 1/3 पार्ट है, मतलब ये बचा हुआ डीसी है ये 2/3 पार्ट हो जाएगा। प्रूव दैट 9AD² इक्वल टू 7AB², ये हमें प्रूव करना है, मतलब एडी का स्क्वायर और एबी के स्क्वायर के बीच में रिलेशनशिप देखना है, उसके अलावा जो मेजर वैल्यू थी उसका ध्यान रखना है। तो एडी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर इस बात से पता पड़ता है कि अगर यहाँ पाइथागोरस लगाने की कोशिश करें तो राइट एंगल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें, तो कंस्ट्रक्शन करें, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं ए ई, और अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर खींचा गया परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करता है, ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहां पे ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और इस कारण से लिख सकते हैं हम सो बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट हुआ है परपेंडिकुलर के कारण से, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है, और इस कारण से हम इसे हाफ ऑफ बीसी कह सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब शुरू करें जैसा हमें चाहिए था, एडी का स्क्वायर यहां से लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए ई डी, इसके अंदर देखें तो हम कह सकते हैं एडी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम ए ई के स्क्वायर को तो कुछ नहीं कह सकते, पर डी ई के स्क्वायर इसको हम कह सकते हैं, डी ई को बोल सकते हैं हम बी ई माइनस बी टी, बी ई में से अगर बी टी माइनस करेंगे तो डी ई आ रहा है, इसे और आगे बढ़े तो हमें बी ई की वैल्यू मालूम है, बी ई की वैल्यू है हाफ ऑफ बी सी, मतलब बी सी बाय 2 माइनस बी टी की वैल्यू 1/3 ऑफ बी सी, मतलब बी सी बाय 3। इसे थोड़ा और सोल्व कर ले, तो यहां पे 3 इंटू बीसी करेंगे तो 3 बीसी, माइनस 2 इंटू बीसी करेंगे तो माइनस 2 बीसी, अपन 3 × 2 = 6, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हम, हमें आरएचएस में ए बी की जरूरत है और ए बी लाना है, तो हमें ए ई और बी ई की जरूरत है, ए ई हमारे पास है पर बी ई चाहिए, तो हम इसे बी ई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3BC - 2BC होता है 1BC, और हम देख रहे हैं कि बी सी बाय 2 करें हम तो बी ई लिख सकते हैं इसे, इसका मतलब हम यहाँ पे बच रहा है बी सी अपॉन यहाँ पे है 6, मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहीं से हो रहा था। अब बी सी बाय 2 ये तो बी ई की वैल्यू है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो यहाँ पे हमने यूज कर चुके हैं वैसे भी, BC by 2 equal to BE, so हम इसे लिख सकते हैं AE का स्क्वायर प्लस BC by 2, BC by 2 को हमने लिखा है BE, तो BE का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, 9 इधर की साइड में भेज दें, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा, उसके बाद इसे इधर भेज दें डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 9AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, नहीं तो यू भी समझ सकते हो कि दोनों साइड में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ से 9 कट गया। अब हमें AB की जरूरत थी, मतलब AB लाने के लिए हमें AE या BE दोनों में से किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ पे AE की वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 9AE का स्क्वायर। अब AE का स्क्वायर और पाइथागोरस थ्योरम लगा तुम AEB के अंदर, तुम AE को लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, और प्लस में BE स्क्वायर है इसे, देखो AEB इसमें AE के स्क्वायर की वैल्यू, तो AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस बात को ऊपर भी शो कर सकते थे कहीं पे भी, तो यहाँ पे हम लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय राइट ट्रायंगल
AEB, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। वापस से देखें हमारे पास बचा है 980 का स्क्वायर इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है AB के स्क्वायर में माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है BE के स्क्वायर में प्लस एक BE का स्क्वायर है हमारे पास। इसे हम लिख पाएंगे 9AB का स्क्वायर माइनस 8BE का स्क्वायर। अब BE को हम BC के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम इसे चेंज करके देखें तो हमें मिलेगा माइनस 8BE की जगह जाएगा BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर और BC का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 से कटेगा 8 तो आ जाएगा यहाँ पे 2। अब एक सिंपल सी बात है, ये ट्रायंगल था इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती है, इसका मतलब मैं BC को AB भी तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे BC के स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ AB का स्क्वायर, है ना। ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7AB का स्क्वायर जो कि RHS है। यहाँ पे इसको आगे बढ़ा जाएंगे तो यहाँ 980 का स्क्वायर जो कि LHS स्क्वायर ऑफ वन साइड, इसमें किसी भी एक साइड के स्क्वायर का थ्री टाइम, मतलब जैसे कि एक साइड लू मैं AB तो इसके स्क्वायर का थ्री टाइम्स मतलब 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये बराबर होगा 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसके कोई सा भी एक एल्टीट्यूड, तो हमने एक एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर माना AD को और ये बात हमने लिख भी दी, तो इसके 4 टाइम के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। और हमने परपेंडिकुलर खींचा AD को BC के ऊपर और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, इस कारण से इसके सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करा जैसा हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अब स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें AB के स्क्वायर से स्टार्ट करना है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, अब लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहां पे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD, BD को हम लिख सकते हैं BC/2 जो हमने यहां पे लिखा भी है का स्क्वायर। ओके, सामने वाली साइड बाइसेक्ट हुई इसलिए ये इस पूरी साइड का आधा हो गया। अब यहाँ पे देखो तो शायद तक तुम्हें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा और अगर पिछले वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो ये पता पड़ गया होगा कि ये प्रूव होने वाला है। कैसे, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा तो BC का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में हो जाएगा, तो या यू समझो कि दोनों साइड में 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 4AB का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर प्लस या 4 से 4 कट जाएगा तो BC का स्क्वायर। अब BC जैसा हमने लास्ट में किया था BC AB के बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं BC को AB का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, इस कारण से BC और AB बराबर हो गए तो उनका स्क्वायर भी बराबर हो गया। इसको इस साइड में लिया तो 4AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4AD का स्क्वायर, माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 3AB का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर और इसी हिसाब से हमने LHS और RHS को बराबर बता दिया, हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। ओके okay?